भागवत का जो वीडियो वायरल हुआ, कैसे वायरल हुआ? वो एक्चुअली जो वीडियो जो सर मुंडवे वाली थी जी, जो इशारा कर रही थी, आपको कर रही थी, आपने बताया भी वो भागवत आपको कहीं ना कहीं फैली है, तो उस पंडित जी को आप बुलाना चाहोगे दोबारा? दोस्तों राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। यूट्यूब फैमिली, तो भाई जिसका इंतजार था आप लोगों को बहुत दिनों से, हमें भी फाइनली वायरल भाभी का हमने एड्रेस ढूंढ निकाला। आज सुबह से भाई हम बहुत ज्यादा परेशान हैं, तब जाकर एड्रेस मिला। आप लोगों को भी एड्रेस देंगे वीडियो के लास्ट में, इसमें या नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। तो फिलहाल हम बुलाते हैं आप लोगों को, बहुत ज्यादा सवाल, हमें बहुत ज्यादा सवाल थे कि आखिर में बाबा कैसे हुई, तो सारी चीजें इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। चलिए बुलाते हैं, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखना, सारी चीजें इस वीडियो में देखने को मिलेगी। बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर, कैसे हैं आप? उसमें जब वीडियो वायरल हुआ था आपका, तो उसमें चेहरे में बहुत ज्यादा डिफरेंट है, क्योंकि चेहरे में दाग वगैरह आपके हो गए। वैसे आपका लोग आपको वायरल भाभी के नाम से जानते हैं, रियल नाम आपका क्या है? वैशाली। अच्छा, ये वीडियो आपका वायरल कैसे हुआ, मतलब भागवत में जो वीडियो वायरल हुआ कैसे वायरल हुआ? शादी के बाद थोड़ा मैं गई थी घर पे घूमने के लिए, तो वही जो मेरे गांव के पास में गांव है, हाँ, वहाँ पे भागवत थी, तो मैं वहाँ पे गई थी। तो ऐसा कुछ नहीं था वहाँ पे, हाँ, ऐसे तो बहुत सारे लोग बैठे थे, बिल्कुल। तो उसने मेरे ऊपर जूम क्यों किया गया? गलती है भाई, और बिना परमिशन के वीडियो डाल नहीं सकते। लेकिन जब आपका वीडियो उन्होंने डाल दिया, वायरल हो गया, कब आपको कितने दिन बाद पता चला कि हमारा वीडियो वायरल हो गया? एक महीने में। बहुत तेजी से वीडियो वायरल हुआ, बहुत तेजी से। तो फिर आपने जानकारी निकाली कि कहां से वायरल हुआ, कैसे वायरल हुआ, कोशिश की थी आपने निकालने की? नहीं, वो तो मुझे इधर उधर से पता चलता था। अच्छा, वायरल हुई है आप, तो वैसे बहुत किस्मत वाले लोग होते हैं जो इतनी तेजी से वायरल होते हैं, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन जो कैमरामैन ने जो दिखाने का तरीका था वो कहीं ना कहीं गलत था। तो आप वायरल हो गए तो आपको कैसा लगा, मतलब अच्छा लग रहा है या फिर मतलब बुरा लग रहा है कि हम वायरल हो गए? अच्छा भी लग रहा है, बुरा भी लग रहा है, क्योंकि जो मेरी वो जो वीडियो डाली जा रही है, हाँ, के सिर मुड़वा दिया, हाँ हाँ, ऐसा कुछ नहीं। ये चीज देख सकते, बाल है, ठीक है, अभी हम दिखा देंगे। ये चीजें मतलब आपको फैलाना कि ये देखो इशारे कर रही थी, बाल मुड़वा दिया, हमने भी आपका वीडियो देखा था, तो उसमें लग रहा था कि सेम बिल्कुल आपका फेस, उनका फेस एकदम बिल्कुल मैच कर रहा है। अच्छा, तो आपको बुरा किस लिए लग रहा है, मतलब ये आपके लिए जो लोग गलत गलत अफवाह फैला रहे इसके लिए बुरा लग रहा है कि ये वीडियो वायरल हुआ इसलिए? जो मेरा सिर ये मुड़वा दिया गया है, इस पे बहुत गंदे गंदे कमेंट आ रहे हैं। तो अभी आप जो वीडियो है, आपका चैनल है कोई? किस नाम से? वैशाली अधवंशी ऑफिशियल। वैशाली अधवंशी ऑफिशियल। कितने सब्सक्राइबर हो गए? 350 गए अभी बनाया। वैसे आपकी वीडियो डाल के तो लोगों ने लाखों रुपए पैदा कर लिए, इतना लेट क्यों आपने चैनल बनाया? अरे पता, बहुत बाद में चलाया। जैसे इनके हस्बैंड भी बैठे हैं, उनको हम बुलाएंगे भी, कहीं कुछ इनसे बातें हो जाए। तो अभी शादी कितने समय हो गए आपकी? 3 महीने। 3 महीने हो गए। तो जब आपका वीडियो इतनी तेजी से वायरल हुआ, तो आपकी जो फैमिली है ससुराल की तरफ, उनको कोई दिक्कत नहीं हुई? उन्होंने कुछ नहीं कहा? अच्छा, तो आप सोशल मीडिया पे आना चाहती हैं, मतलब वायरल तो ही लोग आपको जानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि आप किस जगह रहती हैं। तो अभी आप एड्रेस वगैरह कुछ इस तरीके से बताना चाहेंगी यूट्यूब पर? बताएंगी तो लोग मिलने आएंगे, तो ये दिक्कत तो नहीं हो, क्योंकि आप वायरल तो हैं और वीडियो भी लोग डाल रहे हैं, काफी चैनल हमने चेक किए हैं आपके, एड्रेस निकालने के लिए एड्रेस मिले ही, क्योंकि एड्रेस था ही नहीं किसी के पास, सब ऐसे ही उन्होंने कहा ये एड्रेस वो एड्रेस, लेकिन प्रॉपर एड्रेस नहीं था। तो अभी आपको कैसा लगता है लोग मिलने आने लगे, तो अभी कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा, कहीं ना कहीं अच्छा लगता है। अच्छा, सोशल मीडिया पे पहले, शादी से पहले आपको शौक था सोशल मीडिया वगैरह पे आना, क्योंकि सभी लड़कियों के सपने होते हैं कि हम भी एक स्टार बन जाए, ऐसा कोई सपना था? बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल सपना था ही नहीं, और अचानक एकदम वायरल हो गई है। तो आपको अच्छा लगा होगा कि मतलब बिना मेहनत किए और इतनी तेजी से वायरल हो गए हैं, लाखों लोग आपको देखना चाहते, पसंद भी करते हैं लोग, ठीक, इतनी फैन फॉलोइंग आपकी है, लेकिन बस ये आपका उन्हें एड्रेस और उनका चैनल बता नहीं, क्योंकि लोग चैनल चला रहे हैं आपकी वीडियो डाल डाल के, लोग चला रहे हैं, ठीक है। तो क्या कहेंगे आप उनके लिए, क्या संदेशा देना चाहते हैं कि वो वीडियो आपकी डालना बंद करें, या क्या कुछ कहेंगे जो आपकी वीडियो डाल रहे हैं लोग चोरी कर करके? क्योंकि भाई अब जो अधिकार है इनका है, ठीक है, पहले जो हो गया सो हो गया, अब भाई ये खुद है, ये खुद चैनल चलाएंगे, खुद अपने वीडियो डालेंगे, जो लोग वीडियो आपके डाल रहे हैं तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? मतलब वीडियो डालें या बंद कर दें वीडियो डालना, क्या कहेंगे आप जो आपके लिए गलत अफवाह फैला रहे कि सर मुड़वा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया? तो आपने कभी इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे अपने बारे में बताया कि हमारा ऐसा कुछ हुआ नहीं? नहीं,
पहले अभी आपका इंटरव्यू हुआ नहीं एक भी? फर्स्ट इंटरव्यू है? फोन आया पर रिसीव नहीं किया हमने। अच्छा, तो इंटरव्यू मतलब कैसा लग रहा आपको? नर्वस तो नहीं, घबराहट तो नहीं हो रही? क्योंकि ऐसा होता है काफी इंटरव्यू लिए हैं हमने, तो जो फर्स्ट इंटरव्यू होता तो लोग ये सोचते हैं कि ऐसा नहीं, पता नहीं क्या पूछे क्या ना पूछे, ऐसा कुछ नहीं? ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, पढ़ाई कहाँ तक की आपने? अच्छा, जो आप वीडियो वगैरह आप सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम भी चला दिया? इंस्टाग्राम पे कितने आपके फॉलोअर्स? 4,000। अभी नया नया स्टार्ट किया? कल से स्टार्ट किया। कल से स्टार्ट किया? इतना लेट क्यों? पहले कुछ था नहीं, घर वालों की इच्छा नहीं थी बनाने। अच्छा, घर वालों की इच्छा नहीं थी, तो अभी क्या मतलब सब लोग राजी हो गए? अब मतलब धमाल मचाएंगे आप यूट्यूब पे? वैसे लोग वायरल भाभी के नाम से जानते हैं, और ज्यादातर वायरल भाभी के नाम से यार फेमस हैं, तो आपके हस्बैंड सपोर्ट करते हैं आपको? अच्छा, चलो अच्छा है, सपोर्ट करते हैं। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं, नाम नहीं लेंगे, बहुत से ऐसे लोग होते हैं उन्होंने कहा अभी शादी हुई है, अभी हम नहीं, ये नहीं, अभी शादी होके आई है और लोग मिलने आने लगे, क्या है क्या नहीं, ऐसा कुछ तो माइंड में नहीं है? क्योंकि हमने इंटरव्यू लिया बहुत सोच समझ के लिए, आपको पता है कि पूरी मेरी टीम आती है, टीम लेके नहीं आए, क्योंकि पहली बार हम आपके यहाँ आ रहे हैं, तो ये नहीं लगना चाहिए मेरी वजह से या मेरी टीम की वजह से आप लोगों के यहाँ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो तभी हमने आपसे फोन करके पूछा था कि हमने का इंटरव्यू लें, लेकिन नेक्स्ट टाइम आपका इंटरव्यू लेंगे तो पूरी टीम के साथ लेंगे। फिलहाल आपके साथ अच्छा लग रहा बात करके, और मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हम आपका इंटरव्यू ले रहे, क्योंकि जिसकी तलाश हमें काफी दिन से, जब आप वायरल हुई थी तभी से हम खोजना स्टार्ट हो गया कि कहां से पता लगे कहां से, लेकिन आप किसी के चैनल पे थी नहीं, तो अभी एक वीडियो में आप मुझे ब्लॉग में दिखी, तो मैंने कहा चलो अब तो पता लगना ही चाहिए भाई कहां से कहां की हैं आप। तो अभी आप एड्रेस वगैरह बताएंगे किस जगह रहती हैं किस जगह, तो अभी हम इनके हस्बैंड को बुलाना चाहते हैं। आ जाइए भैया, कैसे? बढ़िया एकदम। क्या नाम है? मेरा नाम मोनू यादव। मोनू यादव है, और जैसे आपकी वाइफ इतनी ज्यादा फेमस हो गई, जब आपका वीडियो पड़ा इनका पड़ा, तो शादी कितने समय हो गए थे? समथिंग तकरीबन 10 के या 15 दिन के समथिंग होगा। मात्र 15 दिन हुए? मात्र। तो एकदम हड़बड़ी मच गई होगी, ये कैसे हुआ? अरे अगर मेरी जगह कोई और होता तो शायद की बात अब तक तो छोड़ भी देता, लेकिन एक्चुअली क्या था कि जो वीडियो जो वायरल हुई ना, तो उस भागवत में मैं भी था वहीं पे। अच्छा, वो क्या नाम था कुछ, किसकी हीरा लाल ऐसी कुछ? नगला हीरा। हाँ, नगरा हीरा, सही कह रहे। उसमें उसमें दिया था नगरा हीरा लाल की भागवत में, वो मुस्तर मुड़वा दिया इशारे करते हुए, तो आपको क्या लगा था? वो एक्चुअली जो वीडियो जो सर मुड़वे वाली थी जी, वो शायद की बात है कहीं से पता चला था मुझे भी जी, वो ब्याज साइड की थी। अच्छा। हाँ, उधर कुछ मतलब कुछ रस्में होती हैं सर मनवाने की, सर मनवाने की, तो वो ऐसा कुछ था, और थोड़ी सी वही शकल भी मैच कर रही थी चेहरा, थोड़ी सी नहीं भैया मैच कर रही थी यार, पूरी मैच कर रही थी, तो उसी वजह से ऐसा लगा, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। देखिए बुरा मत मानिए, हमें भी लगा था कि सर मुड़वा दिया, बुरा ना मानना, क्योंकि शकल ही बिल्कुल एक जैसी लग रही थी, तो मुझे भी लगा। तो जब इतनी देर वायरल हो गई, तो आपको अच्छा लगा था उस टाइम, या फिर आपको थके हुए कि अभी 10 दिन शादी हुए और इतनी तेजी से वायरल हो गई, तो ऐसा कुछ? बिल्कुल एकदम अजीब सा लगा था यार, क्योंकि फैमिली वाले ने कहा होगा आपसे कि ये क्या हुआ, मतलब वीडियो इतनी देर? अरे यार, पहली बार ससुराल में गए थे इनको लेके शादी के बाद, पहली बार आपने धमाल मचा दिया, पहली बार में ही धमाल हो गया, देख रहे हैं, पहली बार भाई साहब ससुराल आए, पहली बार कदम रखा, पहली बार में ही वीडियो। अच्छा ये बताइए, जो इशारा कर रही थी आपको, कर रही थी आपने बताया भी, तो लोगों को क्या बताना चाहिए, क्योंकि लोग उसको बहुत अलग नजरिया से देख रहे हैं, डोंट माइंड आप समझ रहे हैं मेरी बात, लोग उसको बहुत अलग तरीके से देख रहे हैं, तो हम अपने चैनल के माध्यम से मेरा सिर्फ यही है कि लोगों के अच्छा संदेश लोगों के पास पहुंचे, और हर कोई बहन बिटिया मेरी आगे जाए, क्योंकि ये सोशल मीडिया गलत नहीं है, ठीक है? आप लोगों को लग रहा हो कि क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं, बहुत वो होते हैं, उन्होंने कहा नहीं हम अपनी बहू को, बिटियों को तो वो आगे बढ़ाएंगे, लेकिन बहुओं को उनको पढ़ना चाहिए, ठीक है? बहू बिटिया बिल्कुल मानो तो एक समान है, अगर आप उनकी बिटिया लेके आओ तो आप भी तो अपनी बिटिया दे रहे हो, तो ऐसा तो नहीं है कि आपके लिए उन्होंने कहा नहीं ऐसे नहीं रहना, ऐसे रहना, ये नहीं बनाना, वो नहीं बनाना, ऐसा रोक टोक तो नहीं होती आपके लिए? क्योंकि अभी ये वीडियो जाने के बाद भाई एक सैलाब सा आएगा एक तरह से, क्योंकि जो हाँ देख रहे हैं ना ध्यान से, जिस सब एड्रेस के लिए घूम बैठे हैं, जी जितने देख रहे हैं ये सब सोचे कितनी जल्दी एड्रेस आप कहें, और तो ऐसा तो नहीं है कि आप, फिर हम आपसे एक बार पूछ रहे हैं कि ये वीडियो डालेंगे आप एड्रेस अपनी मर्जी से बता रही हैं, कि कल को ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने वीडियो अपलोड कर दिया और वो वीडियो वायरल हो गया, फिर आप आपकी फैमिली वाले आप समझ रहे ना, कि कल को ये कहें कि वो वीडियो हटाओ एड्रेस, तो समझ लीजिए
नहीं आपको अपने एड्रेस में बताना, क्योंकि ऐसा है देखो लोग भी जानना चाहते हैं। और मेरा मानना, एक मिनट, मेरा मानना ये है कि आप इतनी तेजी से वायरल तो हैं, ठीक है, जब आप पूरी तरीके सोशल मीडिया में आ जाएंगे तो जितनी आपके लिए अफवाह फैलाई जा रही ये सारी बंद हो जाएगी, ठीक है, आप चैन से रह पाओगे। अभी तो लोग जो मर्जी वो बना के डाल देगा, उन्हें कहा ये हो गया, उन्हें वो हो गया, कल को ये कहेंगे अरेस्ट हो गई भाभी, वायरल भाभी, पकड़ गई, जेल हो गए, ऐसा कह सकते हैं। तो आप पूरी तरीके से सोशल मीडिया पे आएंगी तो सारे लोगों को मुंह बंद हो जाएगा, और एक आपकी आईडी खुद बनेगी तो आपका वीडियो आपकी मर्जी के बिना कोई नहीं डाल पाएगा, ठीक है, उस पर अधिकार हो जाएगा आपका। तो आप एड्रेस बताना, और उसमें बाद में ये नहीं होना चाहिए कि हम एड्रेस बता दिया और लोग मिलने आ रहे, क्योंकि सीधे आपके घर पे आएंगे। बिल्कुल ठीक है, तो आपको समय भी देना पड़ेगा भैया, ऐसा हो कि लोग यहाँ नहीं, हम इटावा जिले की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये जिला कौन सा, इटावा लगता है ये, इटावा जिला नहीं, मेरा तो औरैया लगता है, औरैया इटावा, मतलब औरैया जिला लगता है, अभी हम इटावा जिला में गांव का